गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कल आपको मैंने एसएसटी और मैथ्स के वीडियो डाले थे और एसएसटी में हमने अध्याय 5 हेडिंग है लोकतंत्र शुरू किया था। उसमें हमने लोकतंत्र का अर्थ और लोकतंत्र के प्रकार के बारे में पढ़े थे और लोकतंत्र मुख्य रूप से 4 प्रकार के बताए गए थे, जिसमें राजनीतिक लोकतंत्र है उसको हमने लास्ट वीडियो में पढ़ लिया था। क्या आपने वीडियो देखा है? देखा है तो कोई प्रॉब्लम आई क्या राजनीतिक लोकतंत्र में? समझ में आ गया? नहीं समझ में आया है तो मुझे रिकॉल कीजिए, मैं फिर बताऊंगा आपको। आज हम पढ़ेंगे सामाजिक लोकतंत्र। देखो, सामाजिक लोकतंत्र है ना, वो एक समाज का प्रकार ही है, समाज का प्रकार है। और ऐसा प्रकार, समाज का ऐसा प्रकार जहां पर सभी लोगों में समानता पाई जाए, किसी के साथ ऊंच नीच का भेदभाव नहीं हो सके, सभी व्यक्तियों को अपना विकास करने के समान अवसर प्राप्त होते हो, ऐसा समाजवादी लोकतंत्र के नाम से जाना जाता है। जहां समाज में किसी भी व्यक्ति के साथ जाति, धर्म, भाषा, लिंग, क्षेत्र, वंश आदि के आधार पर भेदभाव नहीं किया जाता हो और सभी व्यक्तियों को समानता का अधिकार प्राप्त हो, किसी भी व्यक्ति को किसी जाति, धर्म या वर्ग के आधार पर विशेष अधिकार नहीं हो, उन विशेष अधिकार है तो उनको समाप्त करके सभी को समानता का अधिकार प्राप्त हो सके। ठीक है, तो आपको पता है सामाजिक लोकतंत्र का मतलब ऐसा समाज जहां पर सभी लोगों में एक समान आधार पर व्यवहार किया जाए, वहां की शासन व्यवस्था है वो किसी को विशेष न माने, सभी को समान आधार प्रदान करे। अपने यहां देखिए, देश के अंदर भारत में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए देखो कुछ कदम उठाए गए हैं, बताता हूं आपको। आपने देखा होगा हमारे देश में कुछ बहुत सारे पिछड़े वर्ग थे, जिसमें आज हम कह सकते हैं अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, और वो हमारे समाज के सामान्य स्तर से बहुत पिछड़े थे। तो क्या हमारे देश में समानता थी? नहीं थी। तो उस समानता को स्थापित करने के लिए उनको कुछ विशेष रियायतें दी गई, उनको आरक्षण प्रदान किया गया ताकि वो उस आरक्षण के लाभ को लेकर समाज में प्रगति कर अन्य समाज के जो लोग हैं उनके बराबर आ सके। ये सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए दिया गया आरक्षण था। ठीक है, आज क्या है, इसका राजनीतिक फायदा लेकर इसको अर्थ ही बदल दिया गया है आपको। ठीक है, तो सामाजिक लोकतंत्र क्या हो गया? समाज में ऐसी स्थापना जहां पर सभी लोगों को समान अधिकार मिले। अब सामाजिक लोकतंत्र के लिए दो बातें महत्वपूर्ण है। दो बातें महत्वपूर्ण क्या है कि अगर समाज में लिंग, जाति, धर्म या क्षेत्र या वर्ग के आधार पर किसी व्यक्ति या समुदाय को विशेषाधिकार है तो उन विशेषाधिकारों को समाप्त करना, और भारत ने ऐसा किया है, क्योंकि जब हमारा देश आजाद हुआ तो हमारे देश में कुछ राज घराने थे, रियासतें थी, और रियासतों के जो राजा थे उनको विशेष अधिकार थे, लेकिन जब हमारा संविधान लागू हुआ तो उन लोगों के विशेषाधिकारों को भी क्या कर दिया गया, समाप्त कर दिया गया, और वो भी आम नागरिकों की तरह आम सामान्य नागरिक। तो ये क्या था, हमारे देश में सामाजिक लोकतंत्र की स्थापना का उठाया गया कदम था। दूसरी बात सामाजिक लोकतंत्र के लिए क्या थी कि समाज में सभी वर्गों को, सभी व्यक्तियों को विकास प्राप्त करने के समान अवसर प्रदान हो, सभी व्यक्तियों को अपना विकास करने के लिए समान अवसर प्रदान हो।
तो हमारा संविधान है वो हमें ये अधिकार देता है, समानता का अधिकार आपने पढ़ा होगा, ठीक है। तो समानता का अधिकार नहीं पढ़ा है तो आगे आने वाले टॉपिक आपके पॉलिटिकल के उनमें जरूर पढ़ेंगे, ठीक है। तो ये हमारा सामाजिक लोकतंत्र था। अब आता आर्थिक लोकतंत्र। आर्थिक लोकतंत्र का मतलब देश में एक ऐसी अर्थव्यवस्था हो जिसमें अमीर और गरीब का भेद नहीं हो, ठीक है, और सभी लोगों को जो आर्थिक संसाधन है वो समान रूप से वितरित हो। अब कई स्टूडेंट कहेंगे सर हमारे देश में आर्थिक लोकतंत्र है, एक्चुअल में नहीं है, लेकिन हमारे देश की जो सरकार है वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए काम करती है। कहोगे सर कैसे? हमारे देश में जो प्रगतिशील कर लग रहे हैं ना, प्रगतिशील कर जानते हो क्या होता है? जो जो आय बढ़ती है हमारे देश में टैक्स की रेट है वो बढ़ती चली जाती है, तो हमारे देश का प्रगतिशील कर ढांचा वो इसी बात का प्रतीक है कि टैक्स कौन देते हैं? जिनकी इनकम ज्यादा है वही टैक्स देते हैं। और सरकार क्या करती है, जो जो इनकम बढ़ती है उनमें टैक्स की रेट भी बढ़ाती जाती है। फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूँ, 5 लाख तक कोई टैक्स नहीं, यानी अगर कोई व्यक्ति 5 लाख रुपए तक कमाता है साल में कोई टैक्स नहीं देना पड़ेगा, लेकिन क्या हमारे देश में 5.5 लाख से कम कमाने वाले हैं? जिनकी आय 5 लाख से ज्यादा है उनसे सरकार क्या करती है, टैक्स ले लेती है। अब मान लो किसी व्यक्ति की आय 10 लाख थी, अब 10 लाख में सरकार ने 10% टैक्स ले लिया, तो इसकी आय कितनी बच गई, 9 लाख ही बच गई। इसकी आय को सरकार ने कम किया ना, और इससे 1 लाख रुपए प्राप्त हुए ना, वो आम जनता के विकास पर खर्च कर दिए। अब जनता का विकास हुआ तो जिनकी आय 5 लाख से कम थी उनकी आय थोड़ी बढ़ी कि नहीं बढ़ी? इसलिए जो हमारे देश का कर ढांचा है वो आर्थिक लोकतंत्र की स्थापना करने के उद्देश्य से ही तैयार किया गया है। अब आता है नैतिक लोकतंत्र। नैतिक का मतलब होता है एक व्यक्ति का अपना चरित्र, अपने सिद्धांत। तो नैतिक लोकतंत्र ऐसे समाज की कल्पना करता है जहां पर लोग हैं वो जो आध्यात्मिक नियम बने हुए हैं उन नियमों का पालन करें। नियमों का पालन करने का मतलब हमारे देश के जो मूल कर्तव्य बताए गए हैं ना, वो हमारे नैतिक लोकतंत्र की स्थापना के लिए बताए गए हैं, ठीक है। तो नैतिक लोकतंत्र का मतलब हुआ कि हम ऐसा काम करें जिससे दूसरे के अंदर, दूसरे के काम में बाधा न दें। हम अपना विकास करें लेकिन दूसरे के विकास को अवरुद्ध न होने दें, ठीक है। और नैतिक लोकतंत्र के आधार पर ही आपने सुना होगा 1789 में आई थी फ्रांस की क्रांति। फ्रांस की क्रांति कब हुई थी? 1789। जिस प्रकार भारत में 1857 की क्रांति आजादी के लिए हुई थी ना, इसी प्रकार फ्रांस में आजादी के लिए क्रांति कब हुई थी? 1789। और 1789 की क्रांति का मूल आधार यही था, नैतिक लोकतंत्र, ठीक है। इसमें समानता, स्वतंत्रता, ठीक है, और नैतिक जिम्मेदारी के आधार को मानते हुए फ्रांस की क्रांति लड़ी गई थी। तो ये हमारा था नैतिक लोकतंत्र। तो हमने लोकतंत्र के चारों प्रकार पढ़ लिए। अब लोकतंत्र के गुण, लोकतंत्र के दोष आगे की वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो आप इस वीडियो को जरूर देखना, और ये नहीं है कि वीडियो स्टार्ट किया 1 मिनट देख लिया, जितना वीडियो बना है लास्ट तक देखिए, और देखने के बाद आप अपने कमेंट भी छोड़िए। थैंक यू।